बीमारियां कोई हिंदुस्तान से एक नहीं है, अनेकों अनेक तरह की बीमारियां। मेरी कोई प्रार्थना है कि बीमारी का इलाज परहेज ज्यादा है ना कि दवाई। आज जो कैंप लगे मैं बधाई देना कि सेवा करनी बड़ी मुश्किल काम है। जी संस्था सेवा कर रही है बधाई दे पात्र है, इसी तरह से सेवा करते रहिए, समाज को बनाए कल्याण और समाज जो है तरक्की हो जाए। डेंगू का हम कंट्रोलेबल है, डेंगू जो है ना जी हम कंट्रोलेबल है। और डेंगू की कुछ मशीन जी काट सी, मैं 7 मशीन का हम ऑर्डर दिता है, जिवें मकान कोई टैंकी है ढक के रखिए, या कोई कूलर है उसे साफ करके रखिए, या आसे पासे जिथे भी जो पानी खड़ता है साफ पानी खड़ता है उन्होंने आप सारे की जिम्मेवारी बनती है कि सारे ने निगाह रखी, जिते नज़र आए सूचना साढ़े सिविल सर्जन दे नगर पालिका दे ताकि छिड़काव करके सू कंट्रोल हो रहे। मच्छर जो है रात को नहीं कटता, ये मच्छर कटता है मतलब शाम के दिने कटता है, तो उस टाइम जरा प्रकोप हो तो पूरे कपड़े पा के रखने चाहिए, जराबा बूट पाए हो पूरे बांध के कमीज पाए हो तद बचत करनी, सू भी खुद ही बचत वास्ते उपाले करने चाहिए। बीमारी और मैं कहना भी ऐतकी तीन डेथ हुई, उस तो पिछले 9 हुई सी, उस तो पिछले साल 33 हुई सी, जो 3 साल पहले 33 फिर 9 फिर 3, अगली बारी परमात्मा से प्रार्थना कर दिया 1 भी नहीं हुई। आओ फ्री कर दिया रिजल्ट, जब तक रिजल्ट असली होगा सी डेंगू नहीं कह सकते। नो तो बराबर तो फास्ट फास्ट भी ज्यादा है, मुझे 200 के लिए 200 असली की निकल सकता है। नहीं है अब सक तो है तो टेस्ट कर लो, ये कहना जरूरी है वो टेस्ट। अरे दूसरे आए इकट्ठे ही सर, बॉस ने दिया है। अच्छा बॉस आ गए, बॉस आ गए, चैनल ने डायरेक्टर ने जी धन्यवाद। क्या बॉस बॉस आ गए आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं यार जरा फिर हम ऐसे करने से अपनी अनोखी किस्म का जो कैंप लग रहा है बाबा सिर हॉस्पिटल वालों की कहना समाज सेवा का काम है, और समाज सेवा हरेक इंसान नहीं कर सकता। साडे धार्मिक ग्रंथों से लिखे कि नर सेवा नारायण सेवा, बीमारी को हिंदुस्तान से एक नहीं है, अनेकों अनेक बीमारी है। अगर मैं तुहाडे राही गल कहां भी कोई बंदा मैं खड़ा होकर कह दे भी मैं निरोग हाँ, मैं कोई रोग नहीं है, तो रोग ना सारे ग्रस्त है, किसी कोई रोग नहीं कोई रोग, और दवाई कोई इलाज नहीं है। मैं भी कहना इलाज है सब तो ज्यादा परहेज। ये जरा कैंप लाया ये अच्छी गल है, मुफ्त कैंप, कई लोग मतलब आलस भी करते हैं, अपनी जिंदगी नाल भी खिलवाड़ करते हैं, समय नहीं मिलता कहीं जी टाइम नहीं है कम करना, बीमारी वो गंभीर रूप लेती जाती है। तो इस तरह के मुफ्त जो कैंप लगते हैं लोगों को सचेत करके जाके चेक करके इलाज कराने की मैं बधाई देना, इस वास्ते ये बहुत अच्छे उपराले बहुत अच्छा काम है। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ?
ਵਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ डर जरा लगता ना जी पंद्रह नंबर ट्रांसफर करा के मोहाली कर कुराली पा आओ ना राकेश गर्ग जी अपने कोऑपरेटिव सेल दे डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर विनोद मित्तल जी अमरोह मंडल तो ब्लॉक प्रेजिडेंट राजपाल गर्ग जी सीनियर वाइस प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट दे विच दीपक गुप्ता जी ये अपने व्यापार सेल दे डिस्ट्रिक्ट दे कन्वीनर ने मैं एक्टिव वर्क करा तोडे एक कमाल नरेंद्र प्रेम जी 7:30 बजे नहा दो के आ गए नरेंद्र प्रेम जी ये जनरल सेक्रेटरी ने फले मैं डाक फोन कर मनोज जी नाल हुक्म जी तना
देखो अभी किसे नाम नहीं लेना है अभी किसे नाम नहीं लेना उधर डिपार्टमेंट तुम देखो दो दिन देखे देख के उतरे हो देख के Thank you.
अशोक मंत्र जी प्रधान रोटरी क्लब कृपा करके मंच से आ जा महामंत्री ने मैं मंच से आमंत्रित करता एस एन शर्मा जी स्पेशल इनवाइटी पंजाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मंच से आतीश उपल जी महामंत्री भाजपा वो भी मंच से आ विराजमान डॉक्टर रणवीर पुरी जी निवेदन करना वो आए मेहमानों को स्वागत करेंगे डॉक्टर रणवीर पुरी मैं आज जो इस कार्यक्रम से आए हुए सारे मुख्य मेहमान और श्री सुरजीत जानी जी उन्होंने नाल पैन नीलम भारद्वाज जी राकेश शर्मा जी और नैयर साहब से पट्टी साहब बाकी आए हुए मेरे साथियों भैनों के भाओ ये बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए कि अज जी जाने जी जे सा छोटे एक हेल्थ मिनिस्टर बन के साथ इस समय के हस्पताल में अपना आशीर्वाद देना आए हैं। कई सस्पेंस होंगे कि लिखते हैं स्टोरी उन्हें भी इन्होंने बोलिया लेकिन ना हॉस्पिटल का राणा रखा हुआ है और वैसे भी राणा साहब कहते हैं पिता जी तो साढ़े पिता जी को बचपन से ही महाराणा प्रताप की जीवनी बहुत अच्छी लगती थी इस करके जो अभी पहला यूनिट बनाया फैक्ट्री बनाई तो वह ना राणा इंजीनियरिंग रखा उस तो बाद जो भी बनाया गया इस परिवार वालों तकरीबन उन्होंने सारे के नाम राणा के नाम तो राणा जोड़ा है महाराणा प्रताप के नाम को रिप्रजेंट कर रहा इस जगह के उ बहुत साल पहला मैं 22 साल फ्री डिस्पेंसरी चलाता रहा DMS करने तो बाद और मैं बड़ी खुशी होती है इस गल की मेरा बेटा जोड़ा है वो मन च भी ये संस्कार आया कि मैं फ्री मैडिकल कैंप लगा जानी जी बहुत पुराने संबंध है लेकिन एज मिनिस्टर पहला एक इस जिले के प्रभारी के तौर पर अभी कट्ठे इस जिले का टूर करते रहे लेकिन एज मिनिस्टर आज जो पहली बार साढ़े आए हैं तो मैं सारा का हार्दिक स्वागत करते वक्त 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 आगू हालांकि टाइम 10 बजे की बजाय 10:30 बजे बहुत ज़्यादा फर्क पै गया लेकिन फिर भी मैं शुक्रगुजार हाँ जिन्हें मेरे साथी इन्नी सवेरे उठ के आ पाए तो अच्छी हम चाहेंगे कि I'm
वैसे मैं एक जानकारी लिए दसा जाने जी ने पूछा कि तुहाडा बायोडेटा दे दिओ, बायोडेटा उत्थे दसना सारिआं नूं। कहिंदे बायोडेटा की है, मैं इक सामान्य किसान हाँ। तब उस नाते उन्होंने तो कहना है कि माल्यार्पण च टाइम ना लगाया जाए। हुण अश्विनी जी नूं मैं निवेदन करदा, जिहड़े जागृति मिशन के प्रमुख ने, उन्होंने भी इस बहुत सहयोग किया है कि वो अपने दो मिनट बचा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मंत्री जी बहुत ही कीमती समय से समा कट के आए हैं, होर शड्यूल बिजी होने के बाद भी उन्होंने मैं तरह मिलने चाहिए करना डॉक्टर जरिंदर गुरु जी पुराना हस्पताल साढ़े वाला फैमिली जिन्हें लगभग 3 साल पुरानी है। इस टाइम तो पहला भी अभी 3-4 साल तो विश्व डॉक्टर वालों अखा का दौरा शुरू का टाइम लगा लिया हर साल। जो फाइव पेशेंट ने और सारे डॉक्टर जरिंदर गुरु जी अपने हस्पताल बिल्कुल फ्री करवाए हैं, साथ को किसी भी तरह का खर्चा नहीं लगे। ये कैंपेरा ने कई बार होता है चार पाँच सेवाएं लगातार कर रहे हैं, हर सारे वाला है हमेशा हर सारे सेवाएं करते रहेंगे। इन्हीं बातें जो बंदा पैसे खर्च जो कुछ नहीं करवा सकता बड़ा वास्तव भाव है। इस सब वास्ते जरिंदर श्री सुरजीत जारी जी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ओन आगे अपने विचार सारे नाल साझे करन। परम सरकार योग खेतीलाल जी बट्टी साहब अशोक जी डीयर शर्मा जी मैडम पीएमओ एसएमओ भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान मंडल प्रधान समूह कार्यकर्ता मंच से विराजमान मेरे साथी सामने बैठे परम सरकार बुजुर्गो नौजवान साथियों फतेह बख्शनी गल के बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज आप राणा अस्पताल के इकट्ठे हुए ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰ ਸੇਵਾ ਨਰਾਇਣ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਇਸੀ ਮੁਫਤ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਕਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ
कोई है मेरा की काया सामने जवाब दिया या हर जी दिया है कोई ना कोई बीमारी ना कोई ग्रस्त इंसान है ही वो बीमारी एक प्रकार की नहीं है देखो अनेक प्रकार की बीमारी है किसी के दंत किसी खराब किसी की आंख खराब किसी के कैंसर है किसी के बीपी है किसी का लीवर किसी का गुर्दा है किसी के हड्डिया का है किसी का कुछ ना कुछ ये बीमारी है पर ठीक है जिस स्टेज पर बैठे मैं गल करनी चाहना कि 40 साल पहले जब डॉक्टर को जाते कोई भी बुजुर्ग अपने बच्चे लैके जाता जो दिखाता सी तो डॉक्टर एक गल कहता सी कि बाबा इन खुराक खिलाओ इन दुध पिलाओ घ्यो पाओ दही पाओ इन खुराक दो अज कोई डॉक्टर को लैके जाता है तो कहते ऐसी खुराक बंद करो या घ्यो बंद करो या दुध बंद करो कारण की है कि अब असं बीमार क्यों पहले तो हूँ कारण एक ही सू पहचान की लड़ है असी खाना स्वाद ना खाइए असं आपके सेहत और शरीर वास्ते खाना खाइए पहले क्यों डॉक्टर कहते सी कि खुराक दिती जाए उसका कारण एक सी उस टाइम खुराक घट सी ते कम शरीर नूं ज्यादा सी ज्यादा कम खुराक घट तां असीं बीमार होंदे सी अज की है खुराक ज्यादा है मशीनरी युग है कम किसे को है नहीं तो असीं बीमार होंदे जदों तक असीं इस चीज़ का पैमाना नहीं रखांगे भी किन्ना कम किन्नी खुराक तो असी सही सिस्टम नाल नहीं चल पाएंगे सानू देखना पड़ेगा साडा शरीर स्वस्थ है तो है निरोगी काया जे इंसान भी निरोगी काया है तो सब कुछ है तो दूसरा सुख कहते घर से माया तीसरा सुख तो औलाद का सारा ही आ जाता है बार लगे जी साइंस की जी तरक्की होती है सारे सवाल है विज्ञानिक ने सब बीमार किया है कि पहले साढ़े पैर से कम होता से जो घर के बीच जो कम होता से इतिहासिक साड़ी चीज परंपरा रिवाज मैं पता कह लग्या डॉक्टर को जाते ने कि दंद खराब हो गया आगे कोलगेट कर दे मैं क्या मैं गारंटी लेना निम की दातर अगर एक महीने कोई बंदा निम की दातर कर दे मूह के समय के बदबू को आ गई कसरत होती सी निम का जरा रस है उसके कीड़े दंदा के पीड़ापन नहीं होता यह चीजें निम का घोषणा क्यों होता सी क्या साइंस ने तरक्की करती मेरी माता और भैनों कुछ कम भी नहीं है करते सिर्फ दिमाग का कम रह गया उसका फिर कैंसर हो जाती हाथों का कम है नहीं दिमाग का कम है और निम का घोषणा होता सी पौड़ा घंटा मेरी माँ मेरी बेट मेरी भैन लगती सी तो मसाला रखनी अच्छा बटन नब्बे दिन सी मसाला उदो कपड़े धोते सी सत दिन के पूरा दिन दादी और माँ लगी रहती सी सारे घर के कपड़े धो के थापिया नाल निचोड़ती सी जो बंदा निचोड़ता तो हाथों की वर्जिश होती है और मतलब असं योगा वाल जाने जिम के भी जाने मैं कहना प्रार्थना जिम से ना जाया करो एक तो तुम जिम पैसे देंगे हो और एक बिजली का बिल आता है जिम से ना जाके घर का कम करा करो पोचा लाया करो कपड़े धोया करो मतलब सारी चीज तो अपना कम अपने आप करा तो साडा शरीर स्वस्थ रहेगा पैसे की भी बचत होगी ये चीज़ें सारी सानू देखनिया पैनिया नहीं देखेंगे तो मैं तुम्हें सात अठ साल के बाद जी सांप घूमते हैं ना ये शरीर सड़क पर नज़र नहीं मंजिया से नज़र आऊंगा बीमार पे नज़र सात अठ साल ज़्यादा दूर नहीं है क्या असि देश के तरह तरह की बीमारी साड़ी शुद्धता जी है खत्म होती जा रही है मैं कहना चाहना एक वक्त सी मैं खुद हाथों का ट्रैक्टर वादा ने हल लाया जो भी खेत के किसी ने कसी कुहाड़ी की चोट लग जानी तो मिट्टी पा के जख्म ठीक हो जाता सी और अज असी मिट्टी पा लीए तो टैटनस हो जाती है अज मिनरल वाटर पानी पी के भी बीमार हो जाते हैं असं छप्पड़ के बुक्कर वाले पानी पी के भी हड्डे कट्टे तकड़े होते सी और हवा आपो आवाज रुक चिड़िया की जयकार डाल डाल पे सोने की चिड़िया जा करती है बसेरा ये क्यों गाया किसी ने कारण की कोई सोने की चिड़िया का अर्थ की है ये थोड़ी समझ की गल है एक साइंसदान जो बाहर गया इंग्लैंड से अमरीका से और आसमान से देखे कोई चिड़ी पक्षी नजर नहीं आया क्यों नहीं आया कि सिंथेटिक स्प्रे अपने आप पहले उसे कर लगे थे और जो सिंथेटिक स्प्रे ऐसे करके जो यूरिया खाद जी असं खेतों से लालच के बच्चे बना रहे और देखे उसे कोई पक्षी जरा नहीं
साढ़े मित्र कीड़े मित्र पक्षी जी चिड़िया होंगी सी सानू बसंदे में सफर नहीं करनी पैंदी सी। उन्हें उत्थे देखा कि सिंथेटिक दे सफरे नाल चिड़िया मर चुकी है और लोग बीमार हो रहे हैं। हिंदुस्तान की चिड़िया देख के वो खुश होया कि वाकई चिड़िया सोने दी है, इंसान का फायदा कर दी है। क्योंकि उस टाइम चिड़िया की चहचाहट नाल किसान उठ के खेत से कम करता था जी, और अब चिड़िया का नजर मेरे का आगे किसी चिड़ी नजर कहा भी नजर भी आता है, वो कबूतर आता है थोड़े दिन आता है, तोता भी नजर भी आता, कोई भी पक्षी तो नजर भी आता, कोई कीड़ा जरा मित्र कीड़े मित्र पक्षी असि अज अस खत्म कर चुके हैं ता ही असि बीमार हो रहे हैं। सानू आओ सानू पुराना हिस्ट्री देखनी पेगी, रुख भी लाने पैणगे और चिड़िया की चहचाट को दोबारा जरा लाना पेगा। सारे का फर्ज बनता है कि असि आप घर का साफ कर लें और घर का गंद कढ़ के कितने गली के सीट देने सब तो पहला मच्छर लगता है। आओ अपनी जिम्मेवारी बढ़ती है, सारे मिलकर निभाइए, शरीर को निरंकार दुरुस्त रखिए। ऐसे वास्ते खाना खाइए जरा दादी और नानी खाया करती थी। तो मैं जब दादी और नानी की गल की एक बंदा कहता जी दादा और नानी तक क्यों नहीं कहते, मैं क्या उस टाइम दादा और नाना पैसे के हुक्के भी पीते सी अम्बल भी खा लेते सी, दादा नाना घर की दारू कट के भी पी लेते सी, तो दादी और नानी की जी खुराक है वो हमेशा ही बंदे वास्ते अच्छी और तंदुरुस्त रखनी है। तो मैं सारा दादी और नानी मैं करता कि आओ खाना खा के वो खाना खा के दादी 90 साल की होके भी गंदे चूप लेंदी सी चने चबा जाती सी, और असि अब 40 साल के होके सारे तो गन्ना ना चना चबाया जाता। धन्यवाद, शुक्रिया। मंत्री जी ने बड़े वधिया शब्दों के विच सानू सेहत के विच जो गिरावट आ रही है अते किना कारणा करके आ रही है उहदे बारे में जानकारी दित्ती। मैं स्वागत करदा साडे विचकार आए भारतीय जनता पार्टी के हरीश अग्रवाल जी, दीपक गुप्ता जी प्रधान कन्वीनर जिला व्यापार सल, नरेंद्र कुमार प्रेम जी महामंत्री मंडल सरंद, सीनियर आगू भारतीय जनता पार्टी के जिले के साडे बजुर्ग राम सिंह दसी जी का, इन्हां दी देखरेख दे विच भारतीय जनता पार्टी पूरे काम कर रही है। हुण मैं बेनती करदा साडे एक्स एम एल ए दीदार सिंह भट्टी जी, डॉक्टर रघुवीर सूरी जी अते जिला प्रधान श्री रमेश गुप्ता जी नूं कि उह मंत्री जी नूं समृद्धि चिन्ह देण, अते एक मिनट पहला मैं चाहना डॉक्टर हरिंदर सूरी दो मिनट वास्ते फाइल के बारे में जानकारी देंगे जो महत्वपूर्ण जानकारी। माननीय मंत्री जी से उपस्थित सारी पर्सनैलिटीज, बेसिकली साडा कैंप लाने का जिहड़ा एम है वह यह है कि बवासीर एक आम बीमारी है, हर बंदा कहता है छोटी जी बीमारी है, इस की होंगे खून आता है पुड़िया लै लो इधरों इलाज करा लो उधरों करा लो ठीक हो जाता है, पर जो भी असं कैंप लाने जो 100 मरीज हैं तो 100 चो 4-5 कैंसर के निकलते हैं, जेडे बवासीर समय समय के वो दवाइया खाते रहते हैं, कैंसर अगली स्टेज चला जाता है, डैथ हो जाती पेशेंट की। तो यह एक फाइट है कि लोगों को अवेयर करने लिए असं कैंपेन रन किया है भी बवासीर जो खून आता है किसी टॉयलेट से तो बवासीर भी हो सकती है कैंसर भी हो सकता है। इस फाइट लिए मैं सारे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार अपने आप फ्लैग रेज कर दें। थैंक यू सो मच। हुण मैं निवेदन करदा सरदार दीदार सिंह भट्टी जी, डॉक्टर रघुवीर सूरी जी अते राकेश गुप्ता जी नूं कि ओह मंत्री जी नूं समृद्धि चिन्ह देंगे। कर्तव्य नूं आ सारे ने स्वागत करांगे। हुण मैं निवेदन करदा डॉक्टर हरिंदर सूरी अते डॉक्टर गीता सूरी नूं कि वो अशोक डॉक्टर अशोक नैयर जी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को संबंधित कर देंगे। डॉक्टर हरिंदर सूरी ते डॉक्टर दीपिका सूरी मैं निवेदन करना अश्विनी गर्ग जी विश्व जागृति मिशन के प्रधान और आगे डॉक्टर राकेश शर्मा डायरेक्टर आयुर्वेदा उन्होंने संबंधित कर देंगे। हुण मैं निवेदन करना डॉक्टर दीपिका सूरी नूं उन्हें नाल मैनेजर
राणा हॉस्पिटल दविंदर कौर मान विकास सूरी जी को आके मैडम नीलम भारद्वाज सीएम स्मृति चिन्ह देंगे। मैं निवेदन करता राकेश गुप्ता जी जिला प्रधान प्यो डॉक्टर जसवंत सिंह जी समृति चिन्ह देंगे। डॉक्टर हतिंदर जी एस एन एल ए मैं निवेदन करना साढ़े जो वर्कर साहबान भारतीय जनता पार्टी के बैठे ने कृपा करके मंच से आके मंत्री जी नाल फोटो खिंचाने। हाँ जी सर रेडी पीछे काउंटर लगे है जिथे रजिस्ट्रेशन करी जा रही है नंबर दिते जा रहे ने उथे साडे कार्यकर्ता बैठे ने वर्कर उन्होंने कोल जाके प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन करा के अपने अपने थां ते बैठ जाण। नंबर वाइज अगे जो है सारा चेकअप होएगा। एक कैंप आप भी सुविधा वास्ते सहूलियत वास्ते विश्व जागृति मिशन रोड रखना जो साडे कार्यकर्ता ने उन्होंने बेनती है कि जेडे पेशेंट बैठे है साडे दोस्त बैठे है उन्होंने सब जो साइनर है कि सब नवा दे दो। एक असं ग्रुप फोटो लेना चाहते हैं क्योंकि पहला स्टेज की फोटो होगी साड़ी गैरे की फोटो नहीं हो पाई कैंसर के कैंप है ये कोई तुसी जिहड़ी गल कर रहे हो कि तुसी इस चीज़ मैं तो लगता है वाकफ नहीं सरकार हरेक काम दे विच मदद करती है अरे जिथे कोई चाहता है जिथे तुम अगर कैंप लाना चाहते हो कोई चीज़ का सानू दसो असं तुम डॉक्टर की टीम देंगे जिन्नी मदद कर सकते करें ये तो नर सेवा नारायण सेवा तो समाज की कुछ सेवा करने वाला बंदा चाहिए और सरकार तो जो हेल्प चाहता है पैसे की भी दे सकते हैं तो डॉक्टर की भी दे सकते हैं पूरी टीम दे सकते हैं और उन्होंने जिस तरह राज है कांग्रेस ने और कांग्रेस की खामियां जी है कि वो सारी सारी सरकार प्रकाश सिंह बादल जो है जिन्हें मुलाजम वर्ती सरकार प्रकाश सिंह बादल की सरकार कदे नहीं हुई आप डॉक्टर की भर्ती करते करते अज असी स्पीक से आ गए कि साढ़े को 600 डॉक्टर की कमी है तो रेगुलर इंटरव्यू हो रही है तो 6 महीने के डॉक्टर की कमी नहीं रहने दी जाएगी और असी पहल सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा भी पहल जी है जिला जेडे जिले के अस्पताल ने उन्होंने आलीशान बनाया जाए हरेक उन्होंने सुविधा न लैस किया जाए ताकि मरीज जाए उतों बाहर ना निकलना पवे और तक तंदुरुस्त होकर बाहर निकले सारिया साजो समान उत्तर होना चाहिए हर प्रकार के डॉक्टर फिर तहसील लेवल पर इस तरह असं 100 जोड़े अस्पताल है पंजाब के गुरुद्वारा है साडा समझो
तो वह अच्छा साफ होना चाहिए क्योंकि सफाई ना ही बीमारी जी दूर होती है गंदगी बीमारी आती है। डेंगू का बड़ा प्रकोप है, डेंगू इस साल नहीं है, डेंगू हर साल आता है। साड़ी सरकार ने बड़े उपराले किए, मैं चाह एक बार 33 डेथ हुई सी, फिर 9 हुई ऐतकी 3 हुई हैं और अगली बारी बिल्कुल ही नहीं होएगी और यदा कंट्रोल असं पूरा पूरा कर लवान। सर त्यौहारों के मद्देनजर जो बाहर स्टेटों बड़ा माड़ा, मैं नहीं चाहता मीडिया, तुम मीडिया वाले खड़े, मीडिया से ज्यादा जाइए, मैं मीडिया से जाना ही नहीं चाहता। मीडिया से शोर शराबा ज्यादा होंगे, कम घट होता है, मनते हो तुम तो? मैं मेरे अफसरों ने हिदायत दी हुई है कि तुम कम करो, असं लोगों को बचाना, ना कि असं फोटो साड़ी चेहरे दिखाने, लोग बचने चाहिए, अच्छा शुद्ध माल आना चाहिए, पकड़ो मीडिया से ना जाओ। हाँ वड्डी कोई चीज़ होती है मीडिया आता तो जरूर उन्होंने चलो और लेट हो रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सदर प्रशासन जिला प्रधान श्री गुप्ता जी से हो सके अंदर गेस्ट ने कृपा करके वास्ते चेहरा जान डॉक्टर साहब गुरु सर्टिफिकेट जो है वो पैदा करके मंच पर कोई आ रहा जिन्हें और बाकी दो लोग आ गए हैं, तो मतलब बड़ा रहेगा।
ਲਗਭਗ 610 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਹੋਵੇ